हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो अपन ने एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा उसकी फिफ्थ यूनिट में आगे की थ्योरम। अब लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जब अपन क्या लें, स्केलर ले लें, ठीक है, एन, और उनका अपन उनकी जो वैल्यू है वो क्या रहे, उनमें कम से कम एक स्केलर की भी वैल्यू अल्फ़ा है वो नॉट इक्वल जीरो हो गई, तो वो आपके पास जो कॉम्बिनेशंस का सेट, वेक्टर्स का जो सेट दिया होता है ना, वो क्या होता है अपने पास एल डी होता है, ठीक है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और अगर अपने पास सारे के सारे स्केलर्स अपने पास कॉम्बिनेशन में नॉट अपने पास इक्वल जीरो आ जाए तो वो क्या होता है, Nearly independent vectors का सेट, ठीक है। अब इससे आगे की अपन थ्योरम देखते हैं, क्या दे रखा है, यदि वी एफ एक सदिश समष्टि आपको दी हुई है, फिर वी वेक्टर का जो सेट है उसमें से एस अपन क्या ले रहे हैं, उसका एक सबसेट ले रहे हैं, मान लो एन अपन ने क्या ले लिए, वेक्टर ले लिए, ठीक है। तो जो ये एस सेट लिया ये अपने पास क्या लीनियरली डिपेंडेंट या एक घातीय परतंत्र होगा, यदि और केवल यदि एस के कुछ एलिमेंट्स अपन ले रहे हैं, ठीक है, वो एक एलिमेंट ले लिया और बाकी जो अपने पास एलिमेंट बचे हुए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो एस क्या होगा अपने पास एक घातीय परतंत्र होगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे इफ़ वी एफ इज़ ए वेक्टर स्पेस, वी एफ आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, एस आपने सबसेट ले लिया वेक्टर्स का सेट का, ठीक है, और अपने पास क्या है जो वेक्टर ले रहे हैं वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन एस एस है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, इसमें से अपन क्या ले रहे हैं, सम एलिमेंट ले रहे हैं, उसको बाकी जो अपने पास बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर प्रेजेंट कर पा रहे हैं तब, ठीक है। अब इसमें देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ अपने पास है तो क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो पार्ट दे रखा है उससे पहले वाला अपन लेके चलेंगे और आगे वाला प्रूफ करेंगे, और सेकेंड कन्वर्सली पार्ट में क्या हो जाएगा, इससे आगे वाला अपन पार्ट लेके चलेंगे और इससे पहले वाला क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन क्या प्रूफ करेंगे, अपन एस को है लीनियरली डिपेंडेंट लेके चलेंगे और अपन क्या प्रूफ करेंगे, एस में एक एलिमेंट को बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जो गिवन है अपन वो लिख देते हैं, अपने पास दिया क्या हुआ है कि s इक्वल वी वन वी टू अप टू वी एन है, वो अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है, तो एक घात है परतंत्र है। अब परतंत्र है तो अपने पास इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या होगा अपने पास n अपने पास वेक्टर्स है तो इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास क्या होंगे, स्केलर्स होंगे, और स्केलर अपन किसे लेते हैं, फील्ड से, और इसमें परतंत्र दे रखा है तो सारे अल्फा है वो शून्य नहीं होंगे, यानी सारे के सारे जो स्केलर है वो जीरो नहीं होंगे, तो सभी शून्य नहीं होंगे, यानी इनमें कम से कम एक स्केलर तो अपने पास ऐसा होगा जो कि अपने पास नॉट इक्वल जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने वेक्टर्स n है अपने पास, स्केलर भी n है, तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू अप टू अल्फा n वी एन इक्वल अपने को क्या मिलेगा, इक्वल जीरो, और इसको समीशन के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, i इक्वल वन टू n अल्फा i वी आई इक्वल जीरो, जहाँ पे जो अल्फा i है वो सारे क्या नहीं है, जीरो नहीं है, कम से कम एक वेक्टर, एक तो स्केलर अपने पास ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल है। अब डेफिनेशन लगाते हैं कि चूंकि s अपने को क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है एक घात है परतंत्र है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए एटलीस्ट अपने पास यानी कम से कम एक जो स्केलर है अल्फा i मान लो, ठीक है, आई इक्वल वन टू n में से एक अपने पास स्केलर एटलीस्ट एक ऐसा होगा जो कि क्या नहीं होगा, शून्य या जीरो नहीं है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि वो जीरो नहीं है ना, वो अल्फा केवा स्केलर है जो कि क्या है, नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है, अपने पास अल्फा केवा जो स्केलर है वो क्या है, नॉट इक्वल जीरो है। अब देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, आई इक्वल वन टू एन अल्फा आई वी आई अपने को टोटल दिए हैं। अब देखो अपने पास आई दिया हुआ है तो यहाँ से अपन ने जब स्केलर वेक्टर ले रहे थे तो इसके बीच में अपने पास वी केवा वेक्टर भी होगा और यहाँ पे अल्फा केवा स्केलर भी होगा, तो मैं इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, कैसे, समीशन आई इक्वल वन टू एन और अल्फा आई वी आई होगा, ठीक है, और इसमें एक और कंडीशन लिख देते हैं कि आई है वो नॉट इक्वल केवा जो एलिमेंट है उसको अपन डिफरेंट लिख रहे हैं, तो इसमें अपने पास आई नॉट इक्वल के आएगा प्लस अल्फा के
वी के, क्योंकि मैंने इसे अलग लिख दिया, ये क्या होंगे, इक्वल ज़ीरो होंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जो मेरे पास केवा एलिमेंट है, इसको जो ये वाला पार्ट है इसको तो राइट हैंड साइड में भेज देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, और वी के रख लेती हूँ ओनली इधर, तो वी के इक्वल क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, समीशन आई इक्वल वन और आई नॉट इक्वल के टू एन अपने पास आएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, अल्फा आई वी आई, और अल्फा के को भी मैंने क्या किया है, इधर ही भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये एलिमेंट भी अपने पास किसका हो जाएगा, फील्ड का हो जाएगा, ये वेक्टर है। और यहाँ से देखिए, जो वी के अपने पास वेक्टर दे रखा है, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। कैसे, आई इक्वल वन टू एन तक वैल्यू पुट करते जाओ, अपने पास क्या मिल जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, जो वी के अपने पास वेक्टर का जो एस में सेट अपने पास वेक्टर है, उसको बाकी जो बचे हुए हैं वेक्टर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो यही अपने को करना था। तो क्या हो गया, जो कि वी के वेक्टर को एस के शेष सदिशों के एक घात संचय में व्यक्त करता है। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन को एस जो दिया हुआ था वो लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ था, उसकी मैंने डेफिनेशन यूज़ की है। अब अपन क्या करते हैं, इसका कन्वर्सली पार्ट करते हैं। तो कन्वर्सली पार्ट में क्या लेके चलेंगे, कि एस जो अपने पास वी का सबसेट दे रखा है, उसको तो अपन क्या लेके चलेंगे, उसको तो अपन को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। और अपन एक ऐसा जो एस दे रखा है उसका एक वेक्टर ऐसा ले लेंगे, जो बाकी बचे हुए जो वेक्टर है उनको अपने पास एक घातीय संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं मान लेती हूँ कि वो वी जे वा एलिमेंट है जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रख रहा है। तो माना वी जे बिलोंग्स टू एस 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 ऐसा सदिश है कि इसे एस के शेष अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। यानी अपने पास विजेवा अपने पास वेक्टर है, जिसको बाकी जो बचे हुए हैं अपने पास वेक्टर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लाना क्या है, जो एस है वो पूरा सेट दे रखा है, वो क्या दिखाना है, एक घात परतंत्र या लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या करेंगे, वीजे को प्रेजेंट कर देते हैं, तो वीजे इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, मान लो बीटा वन वी वन, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अपने पास जो अल्फा आई बट्टा अल्फा जे आएगा, मैंने इसको नाम दे दिया है बीटा वन। जैसे अल्फा वन अपॉन अल्फा ऐसे वैल्यू अपन देते जाएंगे ना, तो इस मैंने मान लिया बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू अप टू बीटा जे माइनस वन, और वी जे माइनस वन आएगा, और वी जे वा इधर आ गया अपने पास एलिमेंट, और इधर फिर आगे की टर्म क्या आएगी, बीटा जे प्लस वन इंटू वी जे प्लस वन। ठीक है, अप टू अपने पास चलता चलता कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा बीटा एन वी एन तक। ठीक है, जहाँ पे जो अपने पास बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एन जो स्केलर है, ये कहाँ से आते हैं, अपने पास फील्ड से आते हैं। अब क्या कर रही हूँ, इस वीजे को इधर भेज रही हूँ, और इसको इक्वल क्या ले रही हूँ, जीरो ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू अप टू बीटा जे माइनस वन वी जे माइनस वन। अब इसको इधर लाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा अपने पास, तो क्या आएगा, माइनस का वी जे प्लस बीटा जे प्लस वन इंटू वी जे प्लस वन अप टू बीटा एन वी एन इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो। अब यहाँ से देखिए, अपने पास जो अल्फा जे वा स्केलर वो क्या है, अपने पास माइनस वन है, वो क्या है, नॉट इक्वल जीरो है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, जो वी वन वी टू अप टू वी एन जो अपने पास सेट था, एस जिसको नाम अपन ने दिया था एस, वो क्या हो गया अपने पास, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि उसमें कम से कम एक स्केलर ऐसा मिल रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल जीरो है। तो क्या लिखेंगे, फलता है, या हेंस फलता है एटलीस्ट अपने पास एक
यानी कम से कम एक अपने पास जो स्केलर है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, नॉट इक्वल ज़ीरो, जो कि क्या है माइनस वन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल ज़ीरो, जिससे जिससे वी वन वी टू अप टू वी एन है वो अपने पास क्या आ गया, एक घात है परतंत्र हो गया, यानी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला सेट अपन ने किस में लिया था, एस, इन सारे वेक्टर्स को अपन ने एस में लिया था, तो एस क्या आ गया, एस आ गया अपने पास एक घात है परतंत्र। तो अपन ने यही प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट में तो अपन लेके चले थे कि एस है वो आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है, और अपन को प्रूफ करना था कि एस के एक एलिमेंट को बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में प्रेजेंट करना था, वो कर दिया। अब सेकेंड में क्या किया था, एक एलिमेंट ले रहे हैं एस का, उसको बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हैं, और एस अपने पास क्या आ गया, एस प्रूफ करना था ए लीनियरली डिपेंडेंट, तो अपने पास प्रूफ आ गया। ठीक है, अब देखो अपने पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो उसमें पूछ रहा है कि आर क्यूब अपने पास क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया, वेक्टर वेक्टर्स का सेट दिया हुआ है, और उसमें तीन अपने पास वेक्टर दिए हुए हैं, और इनको दिखाना है कि ये एक घात है स्वतंत्र है, या अपने पास आर क्यूब का जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आपको बताइए लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए कितने अपने पास वेक्टर हैं, एक दो तीन, तो इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन को स्केलर लेने हैं और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के, और इक्वल अपने पास जीरो लिखना है, और वहां से अल्फा अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री जो तीनों अपन स्केलर ले रहे हैं उनकी वैल्यू क्या लानी है, इक्वल जीरो ले आए, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन को सदिश एक घात है स्वतंत्र है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, मैं मान लेती हूँ अल्फा बीटा गामा तीन स्केलर ले रहे हैं, कैसे, फील्ड से। अब अल्फा बीटा और गामा की अपन को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, अल्फा इससे आएगा अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू प्लस गामा वी थ्री इक्वल अपने पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, वी वन वी टू वी थ्री जो अपने पास दिया इनकी वैल्यू पुट कर दो। वी वन की क्या है, वन कोमा टू कोमा जीरो, प्लस बीटा वी टू की वैल्यू क्या है, जीरो थ्री वन, प्लस गामा और वी थ्री की वैल्यू क्या है, माइनस वन जीरो और वन, इक्वल क्या है, जीरो। तो अपने पास यहाँ पे तीन चल रहे हैं, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, थ्री पेयर्स में अपने पास लिखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते तो क्या आएगा, अल्फा टू अल्फा जीरो प्लस जीरो थ्री बीटा और बीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का गामा जीरो और गामा, इक्वल क्या मिल जाएगा, जीरो जीरो जीरो। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, इनकी अल्फा प्लस जीरो माइनस गामा, अब एक एक को अपन ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, एक तो आएगा अल्फा माइनस गामा, सेकेंड क्या आएगा, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा, तो टू अल्फा प्लस थ्री बीटा, थर्ड क्या आ जाएगा अपने पास, बीटा प्लस गामा, इक्वल क्या है अपने पास, थ्री पेयर्स में जीरो। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, ये इक्वल जीरो, ये इक्वल जीरो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस गामा इक्वल जीरो, टू अल्फा प्लस थ्री बीटा इक्वल जीरो और बीटा प्लस गामा इक्वल जीरो। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को अगर अपन सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास मिलेगा जो अल्फा है और बीटा है और गामा है, तीनों की वैल्यू ही क्या मिलेगी, इक्वल जीरो, यानी तीनों जो स्केलर है तीनों स्केलर की वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल जीरो। तो इक्वल जीरो अपने पास मिल रहा है, तो जो अपने पास वेक्टर्स दिए हुए वो क्या हो गए, एल आई, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्या हो गए, अतः है सदीश जो अपने पास दिए हुए वो क्या हो गए, एक घात है स्वतंत्र, एक घात है स्वतंत्र। अब देखो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वी थ्री सी, यानी अब वेक्टर का सेट तो अपने पास दे रखा है वी थ्री, और फील्ड दे रखा है यहाँ पे सी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अपने पास वी थ्री सी के अपन क्या ले रहे हैं, चार अपन वेक्टर ले रहे हैं, वी वन वी टू वी थ्री और वी फोर, इनको दिखाना है कि ये अपने पास तो एक घात है परतंत्र समुच्चय बनाते हैं, यानी अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाते हैं। अगर
बट लेकिन अगर अपन इनमें से किन्हीं तीन वेक्टर्स को, कोई भी तीन वेक्टर्स अगर ले रहे हैं, तब वो अपने पास क्या बना रहे हैं, एकघात स्वतंत्र हो रहे हैं, वो सेट बना रहे हैं। यानी प्रूव दैट द फोर वेक्टर्स अपने पास, अगर इन चारों वेक्टर्स को अपन ले रहे हैं, तो इन चारों वेक्टर्स का जो सेट होगा वो LD होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। लेकिन अगर इनमें से जो तीनों, कोई भी अपने पास तीन अगर वेक्टर ले रहे हैं उनका सेट ले रहे हैं, तो वो अपने पास LI सेट बनाते हैं, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं। ठीक है, चलो अपन करते हैं। पहले क्या दिखाना है, अगर चारों वेक्टर्स को ले रहे हैं तो वो अपने पास क्या बना रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना रहे हैं। इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास चार वेक्टर हैं, तो आपको लेने भी कितने पड़ेंगे, स्केलर्स भी चार, तो अल्फा बीटा गामा और डेल ले लो। ठीक है, अब किससे लेंगे, फील्ड से। तो यहाँ पे फील्ड क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 प्लस डेल V4 इक्वल क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा और डेल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या दिखाना है, वो LD सेट बनाते हैं, तो यानी अपने पास अल्फा बीटा गामा और डेल में कम से कम एक स्केलर की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल जीरो होगी। तो अपन निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अल्फा अपने पास दिया हुआ है, V1 वेक्टर क्या है, 100 प्लस बीटा V2 वेक्टर क्या है, 010 प्लस गामा V3 क्या है, 00 और 1 है, प्लस डेल और V4 क्या है, 111 इक्वल अपने पास क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो अपने पास ये थ्री टपल्स में चल रहा है, तो अपन जीरो को भी क्या लिख सकते हैं, वही थ्री टपल्स में लिख सकते हैं, 00 और 0। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा भी जीरो, गामा भी जीरो और डेल, तो अल्फा प्लस डेल। अब यहाँ से अल्फा जीरो तो बीटा आएगा, और बीटा प्लस यहाँ पे डेल की वैल्यू आएगी, बीटा प्लस डेल आएगा। फिर थर्ड में अल्फा जीरो बीटा जीरो गामा आएगा, गामा प्लस डेल इक्वल क्या मिल रहा है अपने पास, 0 0 0। यहाँ से तीनों इक्वेशन क्या हो रही है, अल्फा प्लस डेल इक्वल जीरो, फिर बीटा प्लस डेल इक्वल जीरो और गामा प्लस डेल इक्वल अपने पास क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यहाँ से अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे ना तीनों की, तो अपने पास मुझे क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल तीनों की वैल्यू मिलेगी माइनस डेल। अल्फा इक्वल माइनस डेल, बीटा को इधर भेज, बीटा को जो डेल है इधर भेज देंगे, तो बीटा इक्वल भी माइनस डेल और गामा इक्वल भी माइनस डेल अपने मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यदि मैं इफ मान लूँ क्या डेल इक्वल माइनस वन, ठीक है, यानी इस डेल की वैल्यू क्या ले लूँ, माइनस वन ले लूँ, तब अपने पास देन तब अपने पास क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या मिल रही है, वन। देखिए माइनस वन यहाँ पे पुट किया डेल की वैल्यू, तो माइनस वन प्लस वन हो गया, तो अल्फा बीटा गामा और डेल की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, वन मिल रही है। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा की जो अपने पास है अल्फा की वैल्यू क्या है, वन है, तो 100 प्लस बीटा की भी वन है, तो 010 प्लस गामा की भी वैल्यू है अपने पास 1001 और अपने पास डेल की वैल्यू क्या आ गई है, -1 011 इक्वल क्या मिल रहा है, 00 और 0 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से वेक्टर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 इक्वल अपने को मिल रहा है 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अपने पास जो वेक्टर V1 V2 V3 V4 क्या है, अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ से स्केलर्स की वैल्यू क्या नहीं आई है, इक्वल 0 नहीं आई है, क्या आई है, नॉट इक्वल 0 आई है। तो ये क्या हो गया, अपने पास जो सेट अपने पास ले रखा है V1 V2 V3 और V4 है, वो अपने पास क्या आ गए, एक घात है परतंत्र या लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब एक पार्ट हो गया, अब सेकेंड क्या करना है कि इनमें से कोई भी तीन अगर वेक्टर ले तब अपने पास क्या बन रहा है, LI सेट बन रहा है। तो अपन करते हैं क्या करेंगे, अगर तीन वेक्टर ले लें, तो अपन ने मान लिया, मानना अपन ले रहे हैं V1 V2 और V4 ले रही हूँ, कोई भी तीन लेने हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो V1 V2 V4 अपने पास क्या है, एक घात है स्वतंत्र है, एक घात है स्वतंत्र है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, अपने पास वही रहेगा क्या, मान लेते हैं अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2, तीन स्केलर होंगे, अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3
वी फोर अपने पास मिलेगा इक्वल 0। अब यहाँ से अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 जो तीनों स्केलर है इसकी वैल्यू क्या लानी, इक्वल 0, तभी अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा ये। तो क्या लिखेंगे, अल्फा 1 दे रखा है, वी 1 क्या था अपने पास 1 0 0, प्लस अल्फा 2 स्केलर है, वी 2 की वैल्यू क्या थी 0 1 0, प्लस अल्फा 3 है वी 4 की वैल्यू क्या थी 1 1 और 1, अपने पास क्या है अपने पास, इसको भी 3 टपल्स में लिख लेते हैं 0 को, तो क्या आएगा 0 0 0। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, α1 + α3, α2 + α3, और यहां से थर्ड क्या मिलेगा, ओनली α3, इक्वल क्या मिल रहा है 0 0 और 0। अब यहां से देखो अपने पास क्या मिल रहा है, α1 + α3 = 0, α2 + α3 = 0, और अल्फा 3 भी अपने पास क्या मिलेगा 0। यहाँ से देखो अपने पास अल्फा 3 की वैल्यू क्या मिल गई 0, तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो अल्फा 1 भी 0, अल्फा 2 भी 0 और अल्फा 3 भी अपने पास 0, यानी तीनों स्केलर्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0 आ गई। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि अल्फा अपने पास जो तीनों जो आप ले रहे हो सदिश उनका जो सेट है वो क्या हो गया Li अपने, यानी अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि α1 v1 + α2 v2 up to अपने पास क्या आया था α3 v4 = 0, वो उससे क्या आ गया α1 = 0, α2 = 0 और बीटा सॉरी α3 = 0 आ गया। तो अतः अपने पास क्या हो गए, अतः अपने पास क्या हो गया, अतः अपने पास जो दिया हुआ है, अपने पास क्या दिया हुआ है कि 4 सदिशों में से, अतः 4 सदिशों में से कोई 3 क्या है, एक घात है, स्वतंत्र है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये दे रखा है कि जो वेक्टर स्पेस अपन ने पास दिया हुआ है उसमें एक्स वाई और जेड अपन क्या ले रहे हैं, 3 वेक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देन अपन को प्रूफ करना है कि एक्स वाई और जेड इन तीनों से मिलके अपने पास और भी वेक्टर जो बनेंगे ना वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। प्रूफ करना है तो वो वेक्टर्स कौन से दे रखे हैं अपने को, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये दे रखे हैं। तो इनको क्या दिखाना है, लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो वही है अपने पास, देखो अपने पास 3 देख रखे हैं अपने पास वेक्टर्स, तो 3 ही अपने पास क्या लेने होंगे, स्केलर्स लेने होंगे इसको Li दिखाने के लिए। ठीक है, क्या होगा अपने पास, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू अपने पास क्या रहेगा, फील्ड से लेते हैं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं, तो क्या आएगा अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस बीटा वाई प्लस जेड प्लस गामा जेड प्लस एक्स अपने पास इक्वल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे अपने पास अल्फा बीटा गामा जो स्केलर ले रखे हैं वो कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसमें इनको खोल देते हैं, तो क्या आएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड प्लस गामा एक्स इक्वल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स वाले कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा अल्फा एक्स प्लस गामा एक्स प्लस वाई वाले ले लें तो क्या आएगा अल्फा वाई प्लस बीटा वाई, और प्लस जेड वाले ले लें तो क्या मिलेगा, बीटा जेड प्लस गामा जेड इक्वल अपने पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 को अपन ट्रिपल में लिख सकते हैं पेयर में, तो क्या आएगा 0 0 0। अब यहाँ से देखो इसमें से भी मैं एक्स कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अपने पास बीटा प्लस गामा इंटू जेड इक्वल 0। ये इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब देखो जो एक्स वाई और जेड है वो तो अपने पास क्या दिए हुए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो भाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड तो अपने पास इक्वल 0 हो जाएंगे, यानी ये तो अपने पास वेक्टर्स हैं, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा प्लस गामा इक्वल 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 और बीटा प्लस गामा इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन फोर्थ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ है इन तीनों को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ।
ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे अपने पास क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या बन रहा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल 0। 2 मैं कॉमन ले रही हूँ, 2 को लेफ्ट हैंड साइड 0 में भेज रही हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 0। ये इक्वेशन फिफ्थ मिल गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन फिफ्थ में से जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ है उन इक्वेशंस को मैं क्या कर रही हूँ अपने पास सब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो क्या करेंगे अपने पास, इक्वेशन फिफ्थ में से इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ घटाने पर या सब्स्ट्रैक्ट करने पर। अब यहाँ से अपन इसको घटाएंगे ना, तो मुझे मिलेगा बीटा इक्वल भी 0 मिलेगा, गामा इक्वल भी 0 मिलेगा, और अल्फा इक्वल भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी मेरे पास जो तीनों स्केलर है ना, अपने पास अल्फा बीटा और गामा अपन ने फील्ड से लिए थे यहाँ से, तो इन तीनों की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा अपने पास, अतः है जो अपने पास सदिश दे रखे थे, यहाँ पे सदिश कौन से थे, ये थे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स है, वो भी क्या आ गया अपने पास, एक घात है स्वतंत्र है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए अपने पास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे।